हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्ट स्ट्रीम से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं उनके पास बहुत ही कम करियर ऑप्शन होते हैं या उनके पास करियर ऑप्शन होते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा करियर ऑप्शन होते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं या आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उस नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। तो फ्रेंड्स, करियर ऑप्शन अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो उसके बाद आप जो है कि बीए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, जो कि एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही कोर्स करते हैं। जब उनका इंटरमीडिएट कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद वह बीए कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप बीए के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे बीएफए हो गया, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जो कि अगर आपका कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट है तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी आपका 3 साल का भी होता है और 5 साल का भी होता है। तो अगर आपको एलएलबी ही करना है तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद, जो कि 5 साल का होगा। अगर आपका कन्फर्म ना हो कि आपको एलएलबी ही करना है तब सबसे पहले आप बीए कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका मन कहे तो आप एलएलबी कर सकते हैं। तो यह भी कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप बीएड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बीए कंप्लीट करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, डीएलएड भी कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किया है तो आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं जिसको कि अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से लोग यही समझते हैं कि अगर वह आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं तो वह इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ बीए ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किया है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, आप किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप पुलिस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो पुलिस में जितनी भी वैकेंसी आती है आप उसको भर सकते हैं। पुलिस विभाग में कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो कि क्लास ट्वेल्थ के बाद आती हैं, तो अगर आपने क्लास ट्वेल्थ कर लिया है आर्ट स्ट्रीम से तो आप उसको भी भर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी वैकेंसी पुलिस विभाग में आती है, जैसे एसआई वगैरह की पोस्ट की, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप रेलवे में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप रेलवे में भी जा सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी आती है आप उसको भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप आईएएस पीसीएस भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आप आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं और आईएएस पीसीएस आप बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, एसएससी में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी में बहुत सी ऐसी वैकेंसी आती हैं जो कि कुछ क्लास ट्वेल्थ के बाद की होती हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद की होती हैं। तो इसमें जितनी भी वैकेंसी आती है आप उन
सभी के लिए एलिजिबल रहते हैं। आप उन सभी के फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप टीचिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किया है तो आप टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। बस आपको बीएड या डीएलएड करना होगा, उसके बाद जो है कि आप टीचर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आपके पास बहुत से कैरियर ऑप्शन हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।